जिला बिलासपुर के गांव जामली में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। दो भाइयों के घर में रात को ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने लगभग 1,58,000 की नकदी और लाखों के गहनों पर हाथ साफ किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहली चोरी चेतराम के मकान में की गई, उसके बाद उनके साथ ही उनके छोटे भाई कश्मीर सिंह के मकान में चोरी की गई। पूरी घटना के बारे में पुलिस को शिकायत कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना देर रात 12 बजे की बात की गई। उन्होंने बताया कि जब वह सुबह उठे तो हमारे दोनों कमरों में सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था। यह देखकर हम घबराए और उसके बाद पुलिस विभाग बिलासपुर को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन की, जिसमें बताया जा रहा है कि 1,58,000 नकद चोरी हुई है। पहले भाई के घर में 80,000 रुपए नकद और जेवर चोरी किए गए हैं। दूसरे भाई के घर से 3 तीलियां, 2 पायल और 78,000 रुपए नकद चुराए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की छानबीन शुरू कर दी है। सोए हुए थे, हमें नहीं पता किस टाइम हुई है। एक बेसर थी, एक टीक थी, एक चाक था और अंगूठी थी, मंगलसूत्र था, 2-3 जोड़ी चैनों की थी और 2 मटरमाला थी और सलाइयां थी। तार ताला लगा हुआ था, उन्होंने ताला तोड़ा, मैंने सुबह देखा उठकर ताला, तो अंदर गए तो सारा सामान बिखरा हुआ था, हमारे सारे गहने भी ले गए। वो बेसर थी, चाक था, मटरमाला थी, रखे हुए थे 80,000 रुपया रखा हुआ था अंदर लंबारी में, उसको भी ले गए। अभी कुछ जामली वाले एरिया में कुछ चोरी की एक सूचना हमें मिली है। SHO और जो टीम है वो वहाँ पे गए हुए है और पुलिस ने कुछ जो सबूत है वो जुटाए हैं और होपफुली कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी चोरी को क्रैक कर लिया जाए।